सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक्सा बोल्ट में आपका स्वागत है। आज हम लेकर आए एक नई वीडियो। आज हम आए हैं अम्बाला हरियाणा में, जहां पर हमने इंस्टॉल किया है सेलक्रोनिक का 5 किलोवाट 7G इन्वर्टर और उसके साथ लगाई है हमने पावरवॉल 2.0 प्लस। ये 7G इन्वर्टर 5 किलोवाट का है, पर ये लगातार 6 किलोवाट तक का लोड चला सकता है और 9 किलोवाट तक के पैनल सपोर्ट करता है। और अगर बात करें इस लिथियम बैटरी की, तो ये आती है 10 ईयर्स की वारंटी में और इसकी डिज़ाइन लाइफ है 60 ईयर्स की और इस इन्वर्टर की डिज़ाइन लाइफ है 30 ईयर्स की। यानी ये इन्वर्टर आपका सालों साल चलने वाला है। ये इन्वर्टर सपोर्ट करता है 9 किलोवाट के सोलर पैनल, लेकिन अगर आपके सोलर पैनल 550 VDC से नीचे हैं तो आप इसके ऊपर 11-12 किलोवाट तक के भी सोलर पैनल लगा सकते हो। अगर बात करें इस इन्वर्टर के पैरामीटर्स की, तो हम अपने मोबाइल के अंदर इस इन्वर्टर के पैरामीटर्स को देख सकते हैं और इसकी सेटिंग को चेंज कर सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये इस इन्वर्टर के पैरामीटर्स हैं। तो यहाँ पर ये लगाए हुए हैं 11 किलोवाट के सोलर पैनल और यहाँ पर इसके नीचे काफ़ी स्पेस है जिसके नीचे गार्डनिंग की जा सकती है। और अगर देखें सोलर पैनल के नीचे, तो एक छत बनाई हुई है सोलर पैनल की, जो कि वाटरप्रूफ छत है। इस छत के नीचे एक स्विमिंग पूल है और बैठने के लिए एक बहुत अच्छी जगह है। ये है सेलक्रोनिक का गैलेक्सी 7G इन्वर्टर। आइए देखते हैं इन्वर्टर के अंदर हमें क्या क्या देखने को मिलेगा। यहाँ पर ये है इन्वर्टर की बैटरी वायर, ये है फास्टनर और MC4 कनेक्टर, ये है इन्वर्टर का यूजर मैनुअल, ये है इन्वर्टर को दीवार पर लगाने के लिए स्टैंड, उसके बाद ये है इन्वर्टर की वाईफाई डिवाइस, ये मिलती है इसकी पैरेलल किट, तो ये है हमारा सेलक्रोनिक का गैलेक्सी 7G 5 किलोवाट का इन्वर्टर। ये है इसके PV आइकन, ये बैटरी आइकन, ये ग्रिड आइकन, ये APS, ये कॉम और ये अलार्म पोर्ट। तो ये है इन्वर्टर के साथ मिलने वाला जंक्शन बॉक्स, जो कि बिल्कुल फ्री मिलता है। इसके साथ कनेक्टेड हैं ये 3 क्लिप्स, ये AC इनपुट के लिए, ये नॉर्मल लोड के लिए, ये स्मार्ट लोड के लिए। जंक्शन बॉक्स के अंदर ये लगी हुई है सारी MCBs। तो इस जगह पर हम लगाएंगे सेलक्रोनिक का इन्वर्टर और बैटरी। आपको बता दें कि हमारे कस्टमर का जो मीटर है वो 3 फेज का है, लेकिन हमारा इन्वर्टर सिंगल फेज का है, पर इसकी वजह से हमें कोई भी दिक्कत नहीं देखने को मिलेगी, क्योंकि हम इस इन्वर्टर को सिंगल फेज और 3 फेज दोनों तरह के कनेक्शन पर लगा सकते हैं। ये इनका मेन डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स है। तो अभी इस लेवलर की मदद से इन्वर्टर के स्टैंड को लगा लेते हैं, ताकि हमारा इन्वर्टर बिल्कुल लेवल में हो जाए। तो अभी लगा दिया है हमने इन्वर्टर, और इन्वर्टर लगाने के बाद यहाँ पर जो राइट साइड में ये स्क्रू दिया गया है, इसको टाइट कर लीजिए। और जैसा कि हम देख सकते हैं, इन्वर्टर बिल्कुल लेवल में लग चुका है। ये इनके 3 फेज कनेक्शन के डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स की वायरिंग है। अभी लगाते हैं इन्वर्टर का डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स। बॉक्स लगाने के बाद ये लगानी है इसकी अर्थिंग वायर, जो कि बाहर अर्थिंग रोड से कनेक्टेड है। जंक्शन बॉक्स के अंदर अर्थिंग का अलग से स्लॉट दिया हुआ है, जहां पर हमें अर्थिंग वायर को कनेक्ट करना है। इसके बाद जंक्शन बॉक्स की बाकी वायरिंग को कर लेना है। तो अभी ओपन करते हैं सेलक्रोनिक की लिथियम बैटरी, जो है पावरवॉल 2.0 प्लस, जो कि 10 साल की वारंटी के साथ और 6000 लाइफ साइकिल में आती है। तो यह सेलक्रोनिक की लिथियम बैटरी, इसके साथ हमें मिलता है एक यूज़र मैनुअल। यह है बैटरी की स्क्रीन, जिसके ऊपर हम सारे पैरामीटर्स को देख सकते हैं। बैटरी की वायर्स हमें इन्वर्टर के साथ मिल चुकी हैं। अगर देखें बैटरी के नीचे, तो यहाँ पर ये 4 स्लॉट दिए हुए हैं प्लस माइनस के। यहाँ पर 2 एक्स्ट्रा स्लॉट इसलिए दिए जाते हैं, ताकि हम एक्स्ट्रा बैटरी को इस बैटरी के साथ जोड़ सकें। और ये राइट साइड में है इसका ऑन ऑफ बटन, और ये बैटरी के साथ मिलता है इसका दीवार पर लगाने के लिए स्टैंड, और साथ में ये मिलती है हमें इसकी फास्टनर्स।
अभी दीवार पर लगाते हैं बैटरी को। और ये दीवार पर लग गई है बैटरी। अभी करते हैं बैटरी को इन्वर्टर के साथ कनेक्ट। तो यहाँ पर ये इन्वर्टर की ब्लैक वायर को हमने लगा दिया इसके नेगेटिव पोर्ट में और रेड वायर को हमें लगाना है इसके पॉजिटिव पोर्ट में। और ये बैटरी की वायर कनेक्ट हो चुकी है और बैटरी अभी इन्वर्टर के साथ कनेक्टेड है। अब ये लगानी है हमें बैटरी की कम्युनिकेशन वायर। ये कम्युनिकेशन वायर लिथियम बैटरी के साथ लगानी बहुत ज़रूरी है। अगर आपके इन्वर्टर में कम्युनिकेशन का ऑप्शन है तो आपके इन्वर्टर और बैटरी का आपस में कम्युनिकेशन हो जाएगा और इसकी मदद से आपका इन्वर्टर आपकी बैटरी के साथ कम्युनिकेट करेगा और आपकी बैटरी के ओवर करंट को, ओवर हीटिंग को, बैटरी कितनी परसेंट चार्ज है, ये सब देखने के लिए आपको ये कम्युनिकेशन वायर लगाना बहुत ज़रूरी है। और अगर आपकी बैटरी में कम्युनिकेशन का ऑप्शन नहीं है तो वो इन्वर्टर के साथ कम्युनिकेट नहीं कर पाएगी। तो यहाँ पर हमने कम्युनिकेशन वायर के एक साइड को बैटरी के कैन पोर्ट में लगा दिया है और वायर के दूसरे साइड को हमें लगाना है इन्वर्टर के BMS पोर्ट में। इसके बाद हमें बैटरी के एड्रेस आइकन के ऊपर जो ये पिन दी गई है इसकी फर्स्ट पिन को हमें ऊपर कर देना है क्योंकि ये बैटरी हमारी फर्स्ट बैटरी है। अगर ये सेकंड बैटरी होती तो हम सेकंड पिन को ऊपर करते। तो अभी हमारी बैटरी ने इन्वर्टर के साथ कम्युनिकेट करना स्टार्ट कर दिया है और यहाँ पर देख सकते हैं इन्वर्टर के ऊपर बैटरी का आइकन स्टेबल हो चुका है और ये कॉम आइकन इसलिए ब्लिंक कर रहा है क्योंकि हमारा इन्वर्टर अभी ब्लूटूथ के साथ कनेक्टेड है। अब लगाते हैं ये CT सेंसर इन्वर्टर के साथ। हम ये CT सेंसर के ऊपर देख सकते हैं एक एरो लगा हुआ है। इस एरो की डायरेक्शन आपके मीटर के साइड रहेगी। इसको कैसे कनेक्ट करना है उसको आगे बताएंगे। तो अभी हम इस CT सेंसर की वायर को कपलर सॉकेट के अंदर से निकाल लेते हैं ताकि ये कपलर सॉकेट अच्छे तरीके से इन्वर्टर के नीचे फिट हो जाए। इस CT सेंसर की वायर को हमें लगाना है CT मीटर के पोर्ट में और इसके बाद हमें इस कपलर को इन्वर्टर के नीचे कनेक्ट कर देना है। स्क्रू को टाइट कर दीजिए जिसके बाद ये कनेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर CT सेंसर को हमने लगा दिया है AC इनपुट की फेस वायर पे। हमें CT सेंसर के एरो की डायरेक्शन को जो हमारे बिजली का मीटर है उसकी साइड करना है और इसके बाद इसे दबाकर लॉक कर देना है। यहाँ पर ये लगाए गए हैं मोनोपर्क हाफ कट सोलर पैनल जो कि 20 पैनल हैं और इसके नीचे गार्डनिंग के लिए स्पेस बनाया हुआ है। तो यहाँ पर ये लगे हुए हैं 11 किलोवाट के सोलर पैनल जो कि इन्होंने 5 किलोवाट 7G मॉडल के ऊपर लगाए हैं क्योंकि ये पैनल सपोर्ट करता है 9 किलोवाट की, पर इसके ऊपर फिर भी आप 11 या 12 किलोवाट के सोलर पैनल भी लगा सकते हो अगर आपके सोलर पैनल की VDC 550 से कम है। तो सोलर पैनल के नीचे जैसा कि हम देख सकते हैं ये एक वाटरप्रूफ छत बनी है जिसके नीचे हम बैठ भी सकते हैं और इन सोलर पैनल के नीचे इन्होंने बनाया हुआ है एक स्विमिंग पूल और साथ ही ये इसके नीचे कर रहे हैं गार्डनिंग। अगर हम देखें ये एक सोलर पैनल कितने वोट का है, तो ये एक सोलर पैनल है लगभग 550 वोट का
और टोटल पैनल हैं 20, तो यहाँ पर 11 किलोवाट के लगभग इनके सोलर पैनल हो गए हैं। चेक करते हैं सोलर पैनल की VOC को। तो एक सोलर पैनल से हमारे पास आ रही है 45 VOC। हमें यहाँ पर बनानी है सोलर पैनल के 20 पैनल की दो स्ट्रिंग, 10 पैनल की अलग और 10 पैनल की अलग। तो हम 10 पैनल को अलग कनेक्ट करेंगे और 10 पैनल को अलग कनेक्ट करेंगे और जो लास्ट में जो चार वायर्स होंगी वो इन्वर्टर के पास पहुँचाएंगे। इन्वर्टर हमारा डुअल MPPT है, तो वहाँ पर आपके दोनों MPPT पे दो दो वायर लग जाएंगी। हमें सभी सोलर पैनल की प्लस माइनस करके आपस में 10 पैनल को जोड़ लेना है और उसके बाद दूसरे 10 पैनल को आपस में जोड़ लेना है। ये सीरीज आपस में कनेक्टेड है। अब जोड़ते हैं दो वायर्स को जो इन्वर्टर के पास जाएंगी। तो ये सोलर पैनल की वायर नीचे इन्वर्टर के पास आ चुकी है। अब हमें कनेक्ट करना है इसे इन्वर्टर के MPPT पे। हमारे पास चार वायर आ चुकी हैं जो कि हमें दोनों MPPT पे लगानी है। ये देख सकते हैं इन्वर्टर के दोनों MPPT हमने लगा दिए। एक MPPT पे ये दो वायर और अब लगाते हैं इन दो वायर को दूसरे MPPT पे। लगाने से पहले चेक करते हैं कि 10 पैनल की VOC कितनी बन रही है फिलहाल। तो यहाँ पर ये 10 पैनल की टोटल VOC है 438। हमारे इस इन्वर्टर की मैक्सिमम VOC रेंज है 550, तो हम इस इन्वर्टर के ऊपर 12 किलोवाट के सोलर पैनल भी लगा सकते हैं। तो अभी हमने चारों वायर्स को इन्वर्टर के MPPT के ऊपर जोड़ दिया है। अभी इन्वर्टर को ऑन करते हैं। तो इन्वर्टर को ऑन करने के लिए हमें सबसे पहले मोबाइल में इंस्टॉल करनी है सोलर टच ऐप और उसके बाद जाना है ब्लूटूथ कनेक्शन में, उसके बाद मैनुअल कनेक्शन और यहाँ पर ये डिवाइस आ चुकी है, इस पर क्लिक करना है और ये डिवाइस कनेक्ट हो चुकी है। अब इसके पैरामीटर्स यहाँ पे शो होने स्टार्ट हो गए हैं। अब हमें जाना है 5th नंबर की सेटिंग पे और यहाँ से इन्वर्टर को टर्न ऑन कर देना है। 1 से 2 मिनट में इन्वर्टर स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर ये मोबाइल के ऊपर सारे पैरामीटर्स आ गए हैं। ये है सोलर पैनल का आइकन, ये स्मार्ट लोड का, ये है बैटरी का, ये है इन्वर्टर आइकन, ये है नॉर्मल लोड, ये है सिटी पावर का आइकन और ये है ग्रिड यानी यूटिलिटी का आइकन। अब आपको बताएंगे कि वाईफाई के थ्रू इस इन्वर्टर को कैसे चलाना है। तो सबसे पहले हमें रजिस्टर न्यू यूज़र करना है, उसके बाद अकाउंट नेम, पासवर्ड, ईमेल एड्रेस और जो ये टाइम जोन दिया गया है इसको फिल कर लेना है। टाइम जोन में हमें करना है 5:30 जो है कोलकाता का टाइम जोन और उसके बाद हमें करना है गेट OTP। इसके बाद आपकी ईमेल के ऊपर एक OTP आएगा जो कि हमें यहाँ पर फिल करना है और उसके बाद हमें कर देना है रजिस्टर। तो रजिस्टर हो चुका है, यहाँ से हमें लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद हमें यहाँ पर पावर स्टेशन को ऐड करना है। अभी प्लांट टाइप में हमें करना है स्टोरेज पे और उसके बाद हमें जो ये डिटेल दी गई है पावर प्लांट एड्रेस, कैपेसिटी, इंस्टॉलेशन टाइम, इलेक्ट्रिसिटी प्राइजेस, प्लांट टाइप, आपको ये सभी फिल कर देना है और उसके बाद कर देना है कन्फर्म। तो यहाँ पर हमारा पावर स्टेशन ऐड हो चुका है। अब हमें डिवाइस को ऐड करना है जो हमारी वाईफाई डिवाइस है। यहाँ पर हमें फिल करना है इन्वर्टर के सीरियल नंबर को और अभी हमने इस इन्वर्टर की वाईफाई डिवाइस को यहाँ पर ऐड कर लिया है। अभी हमें दोबारा से जाना है ब्लूटूथ कनेक्शन में। उसके बाद हमें जो घर का वाईफाई है उसका यूजर नेम और पासवर्ड को फिल करना है और स्टार्ट द कॉन्फ़िगरेशन कर देना है, जिसके बाद जो वाईफाई डिवाइस है वो आपके घर के वाईफाई के साथ कनेक्ट हो जाएगी। और ये आ चुका है वाईफाई राउटर कनेक्शन एक्टिव, जिसका मतलब है कि राउटर वाईफाई डिवाइस के साथ कनेक्ट हो चुका है। अब करते हैं इन्वर्टर को दोबारा से वाईफाई के साथ लॉगिन। और ये देख सकते हैं यहाँ पर नॉर्मल के ऊपर 1 आ रहा है, जिसका मतलब है कि हमारा वाईफाई इन्वर्टर के साथ अच्छे से कनेक्टेड है। अब ओपन करते हैं इस प्लांट को। यहाँ पर हमारे प्लांट की, हमारे इन्वर्टर की सारी डिटेल्स आ जाएंगी। उसके बाद ये है इसकी कंसोल के अंदर ग्रिड सेटिंग।
और ये है इसकी हाइब्रिड सेटिंग। और यहाँ पर पावर लिमिट को हमें कर देना है इन्वर्टर टू ग्रिड। यहाँ पर ये देख सकते हैं हम अभी सोलर पैनल की पावर कम है। यहाँ पर ये सोलर पैनल अभी बना रहे हैं 1.7 किलोवाट, और सोलर पैनल के दोनों MPPT की जो वोल्टेज है वो है 376, और अभी जो लोड चला हुआ है वो है 1.4 किलोवाट जो है नॉर्मल लोड पे चला हुआ है, और 336 वाट स्मार्ट लोड के ऊपर चला हुआ है, और ये सारा लोड चला हुआ है सोलर पैनल के ऊपर। और अभी इन्वर्टर की सारी लाइट स्टेबल हैं, कम्युनिकेशन की लाइट अभी ब्लिंक करेगी क्योंकि इन्वर्टर ब्लूटूथ के साथ कनेक्टेड है। तो चलिए अब आपको इस इन्वर्टर के ऊपर लोड चलाकर दिखाते हैं, इनकी मोटर चला के देखते हैं। जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ पर इनकी मोटर चल चुकी है और यहाँ पर ये लोड दिखा रहा है। तो चलिए अब करते हैं इस इन्वर्टर का लोड टेस्ट। तो यहाँ पर इस रूम में चला हुआ है लाइट और टीवी, अब चलाते हैं इस एसी को। तो अभी हमने एसी को स्टार्ट कर दिया है, कंप्रेसर स्टार्ट होने में थोड़ा टाइम लगेगा, उसके बाद देखेंगे कि इन्वर्टर के पैरामीटर में कितनी वाट पावर ये कंज्यूम कर रहा है। तो यहाँ पर जैसे कि हम देख सकते हैं नॉर्मल लोड पे चला हुआ है 772 वाट, और स्मार्ट लोड के ऊपर चला हुआ है 980 वाट, और ये सारा का सारा लोड चला हुआ है सोलर पैनल से जो कि अभी बना रहे हैं 1.7 किलोवाट। तो इस एसी ने कंज्यूम किया है लगभग 1 किलोवाट की पावर। अब लोड को बढ़ाकर देखते हैं, चलाते हैं ये दूसरा एसी। दूसरे एसी को हमने स्टार्ट कर दिया है, देखते हैं कितनी पावर कंज्यूम कर रहा है। तो जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं नॉर्मल लोड के ऊपर चला हुआ है 2.2 किलोवाट, और स्मार्ट लोड के ऊपर चला हुआ है 1.7 किलोवाट। यहाँ पर अभी सोलर पैनल बना रहा है 1.5 किलोवाट, और बिजली से ये ले रहा है 2.5 किलोवाट। क्योंकि अभी शाम के 5:30 हो चुके हैं इसलिए सोलर पैनल की पावर कम हो चुकी है। तो अगर स्मार्ट लोड और नॉर्मल लोड का टोटल करें तो अभी लोड चला हुआ है 4 किलोवाट। जैसा कि हम जानते हैं ये इन्वर्टर 5 किलोवाट का है, असली लोड टेस्ट का तब पता चलेगा जब ये इन्वर्टर 5 किलोवाट से ज्यादा का लोड चलाएगा, क्योंकि कंपनी दावा करती है ये 5 किलोवाट से ज्यादा का 6 किलोवाट तक का लोड भी चला सकता है। तो अभी हम लोड को बढ़ाकर देखते हैं। लोड बढ़ाने से पहले हम एसी इनपुट की जो MCB है इसको डाउन कर देते हैं ताकि जो मीटर का कनेक्शन है वो इन्वर्टर से कट हो जाए और जो टोटल लोड है वो सिर्फ सोलर पैनल और बैटरी के ऊपर चले। तो यहाँ पर ये हम देख सकते हैं ग्रिड का आइकन ब्लैक हो चुका है, जिसका मतलब है कि मीटर की जो पावर है वो कट गई है। देखिए आपके मन में कोई भी डाउट ना हो तो इसलिए हम आपके सभी डाउट्स को क्लियर कर रहे हैं। आपने भी देखा होगा मीटर के कनेक्शन को कट करने के बाद भी लोड में कोई भी फ्लक्चुएशन नहीं है, हमारा लोड वैसा का वैसा ही चल रहा है और ना ही हमारा लोड बंद होकर दोबारा स्टार्ट हुआ है, क्योंकि इस इन्वर्टर की लोड शिफ्टिंग कैपेसिटी काफी फास्ट है। अभी जैसा कि हम देख सकते हैं यहाँ पर ये बैटरी से ले रहा है 2.7 किलोवाट और सोलर पैनल से ले रहा है 1.5 किलोवाट, और दोनों की मिक्सिंग होके काम कर रहा है। और ये बैटरी की स्क्रीन पर हम देख सकते हैं यहाँ पर ये दिया गया है 98% अभी बैटरी हमारी चार्ज है, दो एसी के ऊपर अभी चले हुए हैं, लेकिन फिर भी इसकी जो पावर है वो 98% है। अगर इस लिथियम बैटरी की जगह लेड एसिड बैटरी होती तो उस बैटरी की वोल्टेज काफी पहले ही ड्रॉप हो चुकी होती। 57 एम्पीयर की पावर अभी बैटरी से ड्रेन हो रही है। अभी शाम के हुए हैं 5:30, इस वजह से पैनल से जो पावर आ रही है वो है 1.6 किलोवाट की। तो चलिए अब इस इन्वर्टर के ऊपर लोड बढ़ाते हैं और चलाते हैं तीसरा एसी। तो ये है इनका तीसरा एसी जिसको अभी हम ऑन करते हैं। हमारा ये एसी भी ऑन हो चुका है। अभी इन्वर्टर के ऊपर चला हुआ है 3 AC और बाकी घर का लोड। अभी देखते हैं इन्वर्टर के ऊपर टोटल लोड कितना चला हुआ है। जैसा कि यहाँ पर दिखाई दे रहा है नॉर्मल लोड के ऊपर चला हुआ है 3.5 किलोवाट का लोड, और स्मार्ट लोड के ऊपर चला हुआ है 2 किलोवाट का लोड। तो ये हो गया लगभग 5.5 किलोवाट का लोड, और ये टोटल पावर ले रहा है सोलर पैनल और बैटरी से। इस इन्वर्टर ने 5.5 किलोवाट का लोड चला दिया है जबकि ये इन्वर्टर 5 किलोवाट का है, और इसके बाद इनके घर का सारा लोड अब खत्म हो चुका है और ये इन्वर्टर अपने लोड टेस्ट में पास होता है। ग्रिड से 0% पावर ले रहा है। यहाँ पर ये ग्रिड बंद है, यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी MCB भी अभी डाउन है। अभी इस टाइम शाम के 5:30 बज चुके हैं, लेकिन फिर भी इस इन्वर्टर बैटरी और सोलर पैनल ने इनके घर के 3 AC और बाकी घर का लोड इनके आसानी से चला दिया है। और 3 AC चलाने के बाद भी अभी जो बैटरी की जो परसेंटेज है वो है 97%। ये बैटरी 3 AC चलाने के बाद भी काफी आराम से ड्रॉप हो रही है, यानी आपको बैटरी बैकअप की चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इस बैटरी ने और सोलर पैनल ने इनके घर का 3 AC और बाकी सभी लोड इनका चला दिया है। तो अगर आप भी बिजली के बिल से परेशान हैं और आपके यहाँ पर बिजली के काफी ज्यादा कट हैं तो आप इस इन्वर्टर और बैटरी को लगाइए, सारी
अपनी जिंदगी के लिए बिजली के कट से और इसके बिल से छुटकारा पाइए। तो अगर आप भी ये सिस्टम लगवाना चाहते हैं तो आप वीडियो में दिए गए हमारे नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। प्रोडक्ट परचेज करने के लिए और सोलर प्रोजेक्ट इंस्टॉलेशन के लिए आप वीडियो में दिए गए हमारे नंबर्स पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।